तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई सीरीज शुरू होने वाला है, इसका पहले ओडीआई मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि पिछले महीने ही इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों पाकिस्तान की टीम जो कि लगभग एक साल से कोई भी ओडीआई मुकाबले नहीं खेले हैं और इनका रिसेंट फॉर्म भी दोस्तों बहुत ही खराब है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कौन से गिने चुने दो तीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या हमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक्स्ट्रा ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 4 नवंबर को खेला जाएगा, सुबह में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में ये मुकाबला होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर, तो अभी तक पूरे इतिहास में इस ग्राउंड पर 149 मुकाबले हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम भी 74 बार जीती है और चेस करने वाली टीम भी 74 बार जीती है। तो हालांकि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों यहाँ पर चेस करना ही पसंद करेगी। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 24 के आसपास है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है 355 रन, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर इंग्लैंड का है दोस्तों 94 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 44 बार 200 के नीचे स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 66 बार, 250 और 300 के बीच में 25 बार, और 300 के ऊपर मात्र 14 बार स्कोर किया है। तो ज्यादातर स्कोर दोस्तों यहाँ पर आपको 200 और 250 के बीच में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा मदद मिल रहा है और एवरेज स्कोर भी थोड़ा सा कम है। और ग्राउंड का डिस्टेंस भी देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सोच समझ कर टीम बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबले के ऊपर जो कि इस ग्राउंड पर खेले गए हैं। तो दोस्तों जो पिछला 2 मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया है वो दोस्तों दोनों का दोनों मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही जीती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहता है। पिछला मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज ने 231 रन की टारगेट दी थी इस ग्राउंड पर, और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से टारगेट चेस कर ली, 8 विकेट से जीती जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 355 रन का टारगेट दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड टारगेट चेस नहीं करने पाई और ऑस्ट्रेलिया 221 रन से जीती। और इस मुकाबले में भी देखा जाए तो फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिली थी, 10 विकेट लिए थे और स्पिनर्स मात्र 2 विकेट। तो दोस्तों पिछले दोनों मुकाबले देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही जीती है, और फास्ट बॉलर को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भी मदद मिलने वाली है क्योंकि रिसेंट के दोनों मुकाबले में मिली है, और अभी तक पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है दोस्तों 12 विकेट और स्पिनर्स ने मात्र 2 विकेट, सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 7 विकेट और स्पिनर्स ने 5 विकेट। तो दोस्तों जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी मदद मिलती है इस ग्राउंड पर। तो दोस्तों ये हो गई ओवरऑल और पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, तो दोनों टीम्स के बीच पूरे ओडीआई इतिहास में कई सारे मुकाबले हुए हैं वो मतलब ओडीआई में, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो रिसेंट के 10 मुकाबले हुए हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसमें से ऑस्ट्रेलिया का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है, 8 मुकाबले जीती है ऑस्ट्रेलिया टीम और पाकिस्तान मात्र 2 मुकाबले। तो इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांसेस 80 से 90% है, और रिसेंट फॉर्म भी ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा तो 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं और अभी इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद कोई भी ओडीआई मुकाबले नहीं खेले हैं और पिछले 5 में से मात्र 2 ही मुकाबला जीते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में क्या रहेगी अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको इस सीरीज में जो कप्तान है वो दोस्तों पैट कमिंस दिखेंगे, और यहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जैक फ्रेजर मैकगर्ग दोस्तों मैथ्यू शॉर्ट के साथ, और तीसरे नंबर फिर आएंगे स्टीवन स्मिथ, फिर चौथे नंबर पर जॉस इंग्लिस, पांचवें नंबर पर दोस्तों मार्नस लेबुसचेंज, फिर मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल कप्तान पैट कमिंस, फिर बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा और जॉर्ज हेजलवुड। प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 है बहुत ही मजबूत लगती है कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है। पावर प्ले में आपको मिचेल स्टार्क और जॉर्ज हेजलवुड बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में पैट कमिंस और मार्कस स्टोनिस बॉलिंग कराएंगे। तो ये होगी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में, और लगभग बैटिंग ऑर्डर भी यही रहेगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर,
तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारे मैचेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल पर वुमेन्स बिग बैस लीग के भी मैचेस हो रहे हैं तो वो भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसकी भी वीडियो अपलोड हो गई होगी। अब दोस्तों डायरेक्ट देखा जाए तो ओपनिंग आपको करेंगे फ्रेजर मैकगर्ग और मैथ्यू शॉर्ट, और इन दोनों को बहुत ही कम लोगों ने लिया है, खास करके जैक फ्रेजर मैकगर्ग। तो दोस्तों मैं आपको शुरू में ही बोल देता हूं कि ये पहला मुकाबला है और इस मुकाबले के बाद सभी लोगों को पता चल जाएगा कौन सा खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है कौन से खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो आपके पास बेस्ट मौका है ग्रैंड लीग जीतने के लिए, और टॉप ऑर्डर से जैक फ्रेजर मैकगर्ग को मात्र 15-20% लोग लिए हैं। और इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो भले ही पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप रहे हो ओडीआई में, लेकिन उससे पहले 125 रन की पारी एक मुकाबले में खेले हैं, फिर 41 रन की और 31 रन की भी छोटी मोटी पारी ये खेले हैं। और हालांकि ज्यादा रिसेंट फॉर्म इनका उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए कि इस मुकाबले में ये 125 रन जैसे पारी खेल ले तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग अकेले इन्हीं के दम पर ग्रैंड लीग जीत जाइएगा। तो अगर आप लोग ट्रंप टीम और ट्रंप प्लेयर खोजना चाहते हैं तो जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस मुकाबले में मेगा ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। मैथ्यू शॉर्ट की बात करें तो मैथ्यू शॉर्ट का परफॉर्मेंस रिसेंट में आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। पिछले मुकाबले में ये 80 रन की पारी खेले, उससे पहले 58 रन 0 विकेट, 14 रन 0 विकेट, 29 रन, फिर 28 रन 5 विकेट। और हालांकि मैथ्यू शॉर्ट का भी बहुत ही कम लोगों ने लिया है, मैक्सिमम लोग ग्लेन मैक्सवेल या फिर मार्कस स्टोनिस को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जो स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे कप्तान के लिए वो मैथ्यू शॉर्ट रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो मैथ्यू शॉर्ट पर आपको सेफ टीम में फोकस करना है। और जैक फ्रेजर मैकगर्ग इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और मैथ्यू शॉर्ट स्मॉल लीग के लिए। अब दोस्तों मिडल ऑर्डर से बात करें तो मिडल ऑर्डर से अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज जाइएगा तो स्टीवन स्मिथ का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बेहतर है, और रिसेंट में स्टीवन स्मिथ 56 रन 36 रन 60 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेले हैं और एक मुकाबले में 32 रन, बहुत पहले का भी रिकॉर्ड इनका बेहतर ही है। तो स्टीवन स्मिथ इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन और पूरे भरोसेमंद ऑप्शन रहेंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर मान के चलिए टॉस जीतती है तो अब आप लोग स्टीवन स्मिथ को वाइस कप्तान भी कर सकते हैं, और मैथ्यू शॉर्ट को तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, क्योंकि 5 से 6-7 ओवर तो बॉलिंग ये कराएंगे मैथ्यू शॉर्ट और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे। तो दोस्तों टॉप के जो तीन खिलाड़ी हैं इनमें से जैक फ्रेजर मैकगर्ग को छोड़कर बाकी ये दोनों स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब जॉस इंग्लिस की बात कर लें तो जॉस इंग्लिस को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनसे भी बेहतर आपको ऑलराउंडर में ऑप्शन दिखेंगे, बॉलिंग में भी ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर जॉस इंग्लिस का रिसेंट फॉर्म भी देखा जाए तो ओडीआई के हिसाब से उतना बेहतर नहीं है, पिछले मुकाबले में 1 रन फिर 21 रन 28 रन 8 रन 35 रन, तो ये दोस्तों उतने ज्यादा पॉइंट नहीं देने पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जॉस इंग्लिस को आप लोग ना लेकर यहाँ पर इनकी जगह पर कोई और प्लेयर्स को ले सकते हैं, तो जॉस इंग्लिस उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इस मुकाबले के लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो पहले बैटिंग करते समय जॉस इंग्लिस को आपको लेना है। लबुशेंज की बात कर ले दोस्तों अब क्यों, क्योंकि इनको मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में लिया है बैटिंग सेक्शन से, रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा खराब है, पिछले मुकाबले में भले ही 2 विकेट लिए हैं उससे पहले 1 विकेट, लेकिन बैटिंग से फ्लॉप परफॉर्मेंस है, 11 रन 4 रन 0 रन 19 रन, फिर भी इनको लगभग 80% लोग अपनी टीम में लिए हैं, बहुत पहले 58 रन 26 रन 74 रन 77 रन की ये पारी खेले हैं 3 विकेट की। और रिसेंट में जो अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी उसमें दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डाउन था, तो अगर इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर रहता है तब आप लोग इनको ले सकते हैं, नहीं तो इनको भी आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं भले ही इनको बहुत ही लोगों ने लिया है। और लबुशेंज को आपको तभी लेना है और जॉस इंग्लिस को जब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करे, तो इन दोनों को आपको तभी लेना है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो चेस करते समय हो सकता है ज्यादा रन का टारगेट ना हो और टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी ही मैक्सिमम रन बना दे, तो इन दोनों को आपका पहले बैटिंग करते समय लेना है दोस्तों। अब बात आ जाती है ऑलराउंडर्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको 3 ऑलराउंडर दिखेंगे मैथ्यू शॉर्ट को लेकर, मार्कस स्टोनिस और ग्लेन मैक्सवेल, तो ये दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे। क्यों, क्योंकि मार्कस स्टोनिस का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 1 विकेट फिर 35 रन 1 विकेट, 21 रन 2 विकेट और 29 रन 1 विकेट, ग्लेन मैक्सवेल का भी बेहतर ही है, उतना बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी 21 रन 1 विकेट 30 रन 2 विकेट 1 विकेट की ये पारी खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों का रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, तो ये दोनों भी इस मुकाबले के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब बात आ जाती है बॉलिंग में, क्योंकि बॉलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी खास करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो यहाँ पर आपको चारों बेहतरीन बॉलर देखने को मिलेंगे। पैट कमिंस का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पैट कमिंस दोस्तों बहुत ही दिनों के बाद ओडीआई मैच खेल रहे हैं और रिसेंट में इनका 1 विकेट 2 विकेट और 3 विकेट का रिकॉर्ड है,
पिछले तीन मुकाबले में इनको 6 विकेट मिली है। मिचेल स्टार्क पिछले तीन मुकाबले में 2 ही विकेट लेने पाए हैं। एडम जैम्पा पिछले तीन मुकाबले में 5 विकेट और जॉर्ज हेजलवुड पिछले तीन मुकाबले में मात्र 1 विकेट। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा रिसेंट फॉर्म, तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर रिसेंट फॉर्म है वो दोस्तों यहाँ पर पैट कमिंस का है और एडम जैम्पा का है। तो अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर प्लेयर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैट कमिंस और एडम जैम्पा बहुत ही ज्यादा सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। और अगर आप लोग हेड टू हेड के वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो चारों खिलाड़ियों का दोस्तों हेड टू हेड बहुत ही बेहतर है, जिसे देखकर आप लोग शॉक हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ भी। तो यहाँ पर इस मुकाबले में चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन चारों में से जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे पैट कमिंस और एडम जैम्पा, और मिचेल स्टार्क को भी आप लोग रख सकते हैं। जॉस हेजलवुड ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि रिसेंट में कभी कभी ये फ्लॉप भी हो जाते हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो भी भाई अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स मिलेगी, तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो 3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं और इनमें से किसी का भी खेलने का चांसेस नहीं है। और हालांकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो किसी का भी रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है आरोन आरडी को छोड़कर, तो इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। अब यहाँ पर हेड टू हेड की बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ, तो सारे खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। टॉप के दोनों खिलाड़ी जैक फ्रेजर मैकग्रा और मैथ्यू शॉर्ट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है। और स्टीवन स्मिथ की बात करें तो सबसे एक्सपीरियंस वाले हैं, 518 रन बनाए हैं 47 के एवरेज के साथ। जॉस इंग्लिस को मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जॉस इंग्लिस का एक तो एक्सपीरियंस नहीं है और एक मुकाबले में मात्र 13 रन ही बनाए हैं, तो जॉस इंग्लिस को आपको पहले बैटिंग करते हुए लेना है। लबुशेंस का भी मात्र 24 का एवरेज है, तो ये दोनों को आपको केवल पहले बैटिंग करते हुए ही लेना है, क्योंकि इन दोनों का हेड टू हेड भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। भले ही लबुशेंस को बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस को दोस्तों 18 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं 8 मुकाबले में। ग्लेन मैक्सवेल का 49 का है, तो ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, 17 मुकाबले में 49 का एवरेज है, 9 विकेट भी लिए हैं। अब दोस्तों बॉलर्स की बात करें तो देखिएगा तो सारे बॉलर्स का रिकॉर्ड सबसे बेहतर देखने को मिलेगा। पैट कमिंस 8 मुकाबले में 15 विकेट, दुगना से भी ज्यादा विकेट लिए हैं, और सॉरी दोस्तों मतलब दुगना विकेट ये ले ही लिए हैं। मिचेल स्टार्क 11 मुकाबले में 24 विकेट, दुगना से भी ज्यादा विकेट है, जितना मैच खेले हैं उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। एडम जैम्पा 11 मुकाबले में 21 विकेट, जॉर्ज हेजलवुड 6 मुकाबले में 12 विकेट। तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रही होगी बॉलिंग लाइनअप को लेकर, तो यहाँ पर आपको पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और एडम जैम्पा पर ज्यादा फोकस करना है। जॉर्ज हेजलवुड भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी पाकिस्तान टीम की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में अब्दुल्ला शफीक दिखेंगे सैम आयुब के साथ, और ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इन दोनों को भी ना के बराबर लोगों ने लिया है। और जैसा कि मैंने आप शुरू में ही बताया कि अभी ये पहला मुकाबला है, इस मुकाबले के बाद सभी को पता चल जाएगा कौन से खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है नहीं है, तो इन दोनों पर भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेकर अपनी टीम में रखना है। फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि सेफ ऑप्शन है, तीसरे चौथे नंबर पर आएंगे बैटिंग करने, और इस बार रिजवान को कप्तान बनाया गया है। फिर कमर गुलाम, फिर दोस्तों आगा सलमान और आमिर जमाल, फिर दोस्तों आफ्ताब मीनास, तो इनकी जगह पर चेंजेस हो सकता है लेकिन चांसेस यही है कि खेलेंगे। फिर तीनों मेन बॉलर साइन अफरीदी, हरीश रॉफ और नसीम शाह। पावर प्ले में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में हरीश रॉफ और आगा सलमान। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान का रिसेंट फॉर्म देखिएगा ओडीआई में सारे खिलाड़ियों का, तो दोस्तों रिसेंट में ये अच्छा है कि सारे खिलाड़ी रिसेंट में पाकिस्तान वनडे कप खेल कर आ रहे हैं और सारे खिलाड़ियों का उनमें रिकॉर्ड अच्छा था, तभी दोस्तों सिलेक्शन भी हुआ है। तो अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयुब अगर देखा जाए तो रिसेंट में दोस्तों 27 रन और 52 रन की पारी ये लोग खेले हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। और अभी पाकिस्तान मतलब कुछ वनडे कप चल रहा था। फिर श्याम आयुब की बात करें तो 33 रन फिर 156 रन की ये पारी खेले हैं, और उससे पहले लगातार 3-4 मुकाबले में ये फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए थे, और बहुत पहले का भी परफॉर्मेंस बेहतर है, 179 रन 95 रन। और अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो इनका बीच में फ्लॉप हो गया था परफॉर्मेंस 4 मुकाबले में, लेकिन उससे पहले 68 रन 58 रन 64 रन और 113 रन की ये भी पारी खेले हैं। तो दोनों ओपनर्स में कैपेबिलिटी बहुत ही बेहतर है, अगर टिकते हैं तो दोस्तों 80-90-100 रन भी बना देते हैं, लेकिन इन दोनों को ना के बराबर लोग अपनी टीम में लिए हैं। तो टॉप ऑर्डर से ये जो दोस्तों दो प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक और श्याम आयुब, ये दोस्तों इस मुकाबले में मैक्सिमम लोगों की टीम में नहीं रहेंगे, तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, इन दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है। और अगर ये बाई चांस 60-70 रन भी बना देते हैं दोनों ओपनर्स और शुरुआत में अच्छी पारी खेल जाते हैं, तब तो दोस्तों आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है।
तो इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है। स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे, आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में अब्दुल्ला सफीक को रख सकते हैं, लेकिन श्याम आयुब मतलब दोनों में से किसी एक को रखिएगा, दोनों को रखिएगा स्मॉल लीग में तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में दोनों को रख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे से बात करें, बाबर आजम और रिजवान, तो ये दोनों दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस वाले भी हैं और दोनों का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा है। बाबर आजम रिसेंट में 5 रन, 104 रन, 45 रन, 76 रन की पारी खेले हैं, फिर 38 रन, 66 रन। मोहम्मद रिजवान भले पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन उससे पहले 51 रन, 33 रन, 45 रन, 36 रन की ये भी शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो टॉप के चार खिलाड़ी हैं उनमें से दोनों ओपनर्स ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्रंप खिलाड़ी रहेंगे, और अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो बाबर आजम और रिजवान ये दोनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो कि मतलब 90% चांस है कि परफॉर्मेंस करेंगे। अब दोस्तों के गुलाम की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका उतना बेहतर नहीं है, पिछले 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 113 रन और 115 रन की पारी खेले हैं। तो के गुलाम को आपको तभी लेना है जब पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो ये थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे, और अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो हो सके 30-35 रन स्कोर कर जाएं। आगा सलमान इस मुकाबले में ऑलराउंडर सेक्शन से सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। आगा सलमान एक्सपीरियंस वाले भी हैं और पिछले मुकाबले में 52 रन, 1 विकेट, फिर 69 रन, फिर 49 रन, 3 विकेट, फिर 51 रन, 3 विकेट, ये दोस्तों अभी पाकिस्तान वनडे कप में खेल कर आ रहे हैं, तो आगा सलमान पर आपको फोकस करना है। तो दोस्तों यहां पर जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रहेंगे और नीचे से आगा सलमान, बाकी टॉप के दोनों ग्रैंड लीग के लिए और के गुलाम पहले बैटिंग करते हुए। नीचे से बात करें अमीर जलम, इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बॉलिंग से बहुत ही बेहतर है, पिछले 3 मुकाबले में ये दोस्तों 8 विकेट ले चुके हैं, और आमिर जलम को भी बहुत ही कम लोगों ने लिया है, तो ये ग्रैंड लीग के लिए ट्रंप खिलाड़ी हो सकते हैं। फिर अफताब मीनाज की बात करें तो रिसेंट में पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं और इनका रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, तो ये ग्रैंड लीग के लिए ही केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बाकी 3 मेन बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों शाहीन अफरीदी बहुत ही बेहतर फॉर्म है दोस्तों, रिसेंट में देख सकते हैं पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों ये 7 विकेट लिए हैं, और दोस्तों हरीश रोह पिछले 3 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली है, और नसीम साहब पिछले 3 मुकाबले में 3 विकेट। तो दोस्तों बॉलिंग से अगर आप लोग बिल्कुल सेफ ऑप्शन चाह रहे हैं तो शाहीन अफरीदी सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं और अगर पाकिस्तान की टीम पहले बॉलिंग करती है तब दोस्तों आप लोग नसीम शाह और हरीश रॉफ को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि जब भी विकेट लेते हैं देख सकते हैं 3-3, 3-3 विकेट ये लोग लेते हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत पहले का बेहतर है, लेकिन पिछले 3 मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस बेहतर निकल कर आ रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो दोस्तों इनमें से खेलने का चांसेस दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर मोहम्मद हसनैन का है, क्योंकि रिसेंट में वनडे कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतर था, तो हो सकता है ये खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से आपको नए नए खिलाड़ी इस बार देखने को मिलेंगे, तो ज्यादातर खिलाड़ियों का हेड टू हेड नहीं है। तो आपको बाबर आजम का देखा जाए तो 10 मुकाबले में 67 का एवरेज है, तो बहुत ही बेहतर है। रिजवान का 36 का है। अब्दुल्ला सफीक का केवल एक ही मुकाबला खेले हैं, वो भी पिछले साल वर्ल्ड कप में 64 रन बनाए थे, तो अब्दुल्ला सफीक को आप लोग रख सकते हैं ट्रंप प्लेयर, जो कि मैंने आपको बताया। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी का अच्छा है, 6 मुकाबले में 13 विकेट, और हरीश रॉफ का 4 मुकाबले में 8 विकेट। तो दोस्तों ये हो गए कुछ प्लेयर्स का जिनका हेड टू हेड अच्छा खासा है और अवेलेबल है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो हमेशा की तरह 2 टीम आपको मिलेगी। जो हमारी पहली टीम है ये दोस्तों सेफ टीम है, और मैक्सिमम लोग इसी प्रकार से टीम बना रहे होंगे, लेकिन हमारी टीम ऐसी नहीं रहेगी, हमारी टीम ऐसी रहने वाली है। यहाँ पर मैं ये टीम इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि हेड टू हेड खेलते हैं, जिसमें आप और आपके अपोनेंट केवल 2 ही टीम होती है, तो उस टाइप के मतलब लीग्स के लिए आप लोग इस टीम से जा सकते हैं। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं जिसमें 50 मेंबर, 60 मेंबर, 1 लाख मेंबर रहते हैं, तो उसके लिए ये टीम रहेगी। तो पहले स्मॉल लीग की सेफ टीम की बात करें तो इसमें मैंने कप्तान मैथ्यू शॉर्ट को रखा है। बहुत ही लोग दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को बनाएंगे और मिचेल मार्कस स्टोनिस को, लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉर्ट उससे भी ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करेंगे और 7-8 ओवर बॉलिंग तो करा ही देंगे। वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर मार्कस स्टोनिस को किया है, और अगर टेलीग्राम पर मैं अपडेट करूंगा अगर मार्कस यहाँ पर मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग नहीं कराते हैं तब दोस्तों आप लोग कप्तान चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आगा सलमान को, तो यहाँ पर टोटल में 7 प्लेयर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मात्र 4 प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही मजबूत है। और रिजवान और बाबर आजम को मैं ले रहा हूँ केवल पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि यही दोनों हैं जो कि मैक्सिमम रन स्कोर करेंगे। यहाँ पर मैं लबुस चेंज को लिया हूँ स्टीवन स्मिथ को, बाकी मैंने 4 ऑलराउंडर लिया है, और यहाँ पर शाहीन अफरीदी, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। तो देखा जाए तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिए हैं और पाकिस्तान की तरफ से
चार मैंने ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जो कि कंफर्म है कि परफॉर्मेंस करेंगे। अगर ये चार परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो चांसेस है कि पाकिस्तान की टीम हार जाएगी बहुत ही आसानी से। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम जो कि पूरी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी टीम। तो दोस्तों इस टीम में मैंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को रखा है जिन कम लोगों ने लिया है, और अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी टीम वन साइडेड विनिंग करेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगोर को मैंने लिया है जिनको मात्र 10% लोग लिए हैं और ओपनिंग करेंगे, और इनको अगर अच्छा परफॉर्मेंस 50-60 रन बना देते हैं तो आपके अपोनेंट के टीम में तो ये नहीं ही रहेंगे, तो आपकी टीम बहुत ही अच्छा रैंक करेगी। फिर दोस्तों नीचे से मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर देखा जाए तो एडम जेम्पा को मैंने लिया है और हरीश रॉफ को। और ये जो मैंने टीम बनाई है दोस्तों ये बॉलर को सपोर्ट करते हुए बनाई है, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड आमने सामने अच्छा है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों टीम्स खेलती है तो उतना ज्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैप्टन किया हूँ मिचेल स्टार्क को, वाइस कैप्टन शाहीन अफरीदी को, क्योंकि दोनों मतलब जो बॉलर हैं और मैक्सिमम बॉलर का दोस्तों दुगना मतलब जितना मैच खेले हैं उससे दुगना विकेट लिए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चार पांच बॉलर को लिया है। पैट कमिंस को भी यहाँ पर, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट को मैं लिया हूँ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को। तो यहाँ पर मैंने चार प्लेयर लिया है पाकिस्तान की तरफ से और सात प्लेयर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैंने टॉप ऑर्डर के ही केवल प्लेयर्स को लिया है, एक तो ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट और जैक फ्रेजर मरगुर और स्टीवन स्मिथ, और बाकी दोस्तों मैंने बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए टीम बनाई है। और ये हो गई हमारी यहाँ पर ट्रंप टीम जो कि दूसरी रहेगी, और ये हमारी सेफ टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।